नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपकी बकरी जिसकी डिलीवरी होने के बाद क्या करे क्या ना करे, मतलब जब आपकी बकरी बच्चा दे तो उसके बाद हमें उसकी डाइट, उसके बच्चे की देखभाल, उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि बकरी को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके बच्चे की ग्रोथ में भी किसी तरह की कोई बीमारी या कोई मुसीबत बाधा ना बने। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे, वीडियो में बने रहें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप बकरी पालन करते हैं तो आप जानते होंगे कि जब बकरी बच्चा देती है, जब उसकी डिलीवरी होती है, उसके बाद बकरियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उन्हें उठने बैठने में प्रॉब्लम होने लगती है, वो लड़खड़ाकर चलती है और खाना पीना बहुत कम कर देती है। यह जो समस्या है हमारे बकरी पालकों में बहुत लंबे समय से आ रही है। हमारे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आते हैं कि सर, हमारी बकरी ने 2 दिन पहले बच्चा दिया है पर वो अभी खाना पीना नहीं कर रही, बैठी हुई है, या उसके पेट में पानी भर गया है, या वो बीमार ज़्यादा होने लगी है। उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या है वो यह है कि बकरी के पास दूध नहीं आया है। तो यह सब क्यों होता है? ये होता है सिर्फ हमारे बकरी पालक की गलती से। जो बकरी पालन कर रहे हैं वो खुद अपने हाथ से गलती करते हैं जिसकी वजह से बकरी कमज़ोर होती है और कई बार बकरी मर भी जाती है। आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपकी बकरी बच्चा दे, सबसे पहले आपको काम करना है उसकी बच्चेदानी की क्लीनिंग पर। उसकी बच्चेदानी की सफाई आपको सबसे पहले करना है, क्योंकि आपने एक बार बच्चा ले लिया बकरी से, आपको अगली बार फिर उससे बच्चा लेना है। पर अगली बार जब वो बकरी समय से हीट पर आएगी और क्रॉस होकर वो गाभिन होगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर बकरी हीट पर आई है और वो बार बार हीट पर आ रही है, मतलब वो रिपीटर हो गई है। तो ये सारे काम, जो रिपीटर होना, बकरी का बांझ होना, उसका गर्भ का न ठहरना अगली बार बच्चा देने के लिए, वो सब होता है बच्चा देने के समय पे। जब आपकी बकरी ने बच्चा दिया, उस समय अगर आपकी बकरी की बच्चेदानी की क्लीनिंग, उसकी बच्चेदानी की सफाई अच्छे से कर देते हैं तो अगली बार हीट पे आने में उसे समस्या नहीं होगी। क्योंकि बकरी पालक बकरियों को कई तरह के इलाज कर लेते हैं, उसके बाद भी बकरी हीट पर नहीं आती है, क्योंकि बकरियों की बच्चेदानी इन्फेक्शन हो जाता है, मिनरल्स की कमी हो जाती है, इस वजह से वो समय से हीट पर नहीं आती, जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो आपको सबसे पहले अपनी बकरी की बच्चेदानी की क्लीनिंग करनी है। वो कैसे करनी है, उसके लिए बहुत शानदार देसी इलाज बताया है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि किस देसी तरीके से आपको अपनी बकरी की बच्चेदानी की क्लीनिंग करनी है। तो सबसे पहले बच्चेदानी की क्लीनिंग हो गई, उसके बाद आपको खाने पीने पर ध्यान देना है। तो क्या होता है, जब बकरी क्रॉस होती है और पेट में जब बच्चा बनने लगता है तो उसके बाद बकरी की जो डाइट होती है वो ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है। बकरी अपना खान पान डबल कर लेती है क्योंकि वो बच्चे का हिस्से का भी खाती है। तो उस समय हमारे बकरी पालक बकरी को बहुत ज़्यादा दाना मिश्रण, हरा चारा बहुत अच्छा अच्छा खिलाते हैं जिससे कि बकरी का बच्चा तंदुरुस्त हो। वो सब खिलाते खिलाते जब बकरी की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद भी बकरी पालक उसकी जो डाइट है कुछ तो सेम रखते हैं पर कुछ उसको बढ़ा देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जो देसी नुस्खा हमने बताया है क्लीनिंग के लिए, उसमें ओवरडोज कर देते हैं। इस वजह से बकरी के पेट में गर्मी हो जाती है और उसे लूज मोशन हो जाते हैं, जिस वजह से लूज मोशन होते हैं तो बकरी खाना पीना छोड़ देती है, तो उसकी दूध की मात्रा भी घट जाती है। तो फिर बकरी पालक क्या करते हैं, उसके शरीर में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए तरह तरह के इलाज करते हैं। जब बकरी में एक साथ बहुत सारे इलाज होने लगते हैं तो बकरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है और वो लड़खड़ाने लगती है, कमज़ोर हो जाती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। जो डाइट आप चला रहे हैं बकरी की कंटिन्यूसली, वही चलने दें। जैसा कि कुछ बकरी पालक बच्चा देने के बाद बकरी को अपना जो गेहूं होते हैं उसे बॉईल करके खिलाते हैं, उबाल कर खिलाते हैं, उसे बाजरा उबाल कर खिलाते हैं, तो वो भी खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप उसे 100 ग्राम गेहूं खिला रहे हैं तो बाकी जो आप उसका दाना मिश्रण चल रहा है डेली का, जैसे हमारे यहाँ पर जो बकरियाँ हैं उनका डेली 250 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक दाना मिश्रण एक दिन में चलता है सुबह के समय। तो जब वो बच्चा देती है तो हम उसे बॉईल गेहूं उबाल कर गेहूं खिलाते हैं 100 ग्राम, तो हम उसका दाना मिश्रण 150 ग्राम से 200 ग्राम कर देते हैं, मतलब 100 ग्राम कम कर देते हैं। पर बकरी पालक क्या करता है कि जो दाना मिश्रण रूटीन में चल रहा है वो भी चलाते हैं और अलग से भी उसे जो गेहूं होता है बॉईल करके खिला देते हैं, बाजरा खिला देते हैं, जिससे कि उस पर दूध की मात्रा अच्छी रहे, उसकी बच्चेदानी की क्लीनिंग हो जाए। तो ये सोचकर करते हैं। तो दाना मिश्रण की अधिकता की वजह से बकरियों के पेट में पानी भर जाता है जिसकी वजह से बकरियों की मृत्यु हो जाती है। तो करना चाहते हैं सही पर होता है गलत। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा देने के बाद उसके दाना मिश्रण में कोई बदलाव नहीं करना है। बदलाव का मतलब आपको मात्रा कम ज़्यादा नहीं करनी है, जिससे कि बकरी का जो रूटीन चल रहा है खान पान वो चलता रहे और बकरी कुछ दिनों में अगर कमज़ोर हुई है तो रिकवर हो जाएगी। इसके बाद बकरी पालकों की एक और समस्या है कि जब उसने बच्चा दिया है उसके बाद कुछ लोग अपनी बकरी की डिवर्मिंग कर देते हैं।
तो वो बहुत गलत है। आपको बच्चा देने के बाद बकरी के 15 दिन कम से कम वेट करना है, 15 दिन नहीं उसकी डिवॉर्मिंग करनी है, मतलब पेट में कीड़े जो होते हैं उनको मारने की दवा नहीं पिलानी है, और उन्हीं 15 दिनों में वैक्सीनेशन भी नहीं करना है, क्योंकि बकरी जब बच्चा देती है तो वो कमजोर हो जाती है, मतलब वो स्ट्रेस में आ जाती है। वैसे में अगर आप डिवॉर्मिंग कर देंगे तो वो और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगी, उसका लीवर बैठ जाएगा, तो वो खाना पीना जितना कर रही है उतना भी छोड़ देगी। उसके अलावा अगर आप वैक्सीनेशन कर देते हैं तो भी बकरियाँ स्ट्रेस में आ जाती है, तनाव में आ जाती है, तो वैसे में भी बकरियाँ बीमार हो जाती है। आपको डिवर्मिंग अगर करनी है तो आप बकरी के जब प्रेगनेंसी का चौथा महीना लग जाए तब आप कर सकते हैं। वो कैसे करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पूरी डिटेल में वीडियो बना हुआ है, जिससे कि आप अपनी प्रेग्नेंट बकरी की डिवर्मिंग बहुत ही अच्छे से और सेफ और सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बकरी भी स्वस्थ रहेगी और उसके पेट में 15 बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और वो भी स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों ये जो सावधानियां मैंने कुछ बताई है, कुछ काम बताए हैं ऐसे करने को जो आपको अपनी बकरी में करने हैं जब उसकी डिलीवरी होने वाली हो, उससे पहले और डिलीवरी हो जाए उसके बाद। इसके अलावा जब बच्चा स्वस्थ आ जाए तो आपको बच्चे की डिवर्मिंग पहले 15 दिन में कर देनी है। उसके पेट में कीड़े मारने की दवा आपको जब बच्चा 15 दिन का हो जाए तो आप 15वें दिन या 16वें दिन उसकी डिवर्मिंग कर दें। अब कुछ लोग बोलते हैं कि डिवर्मिंग अगर कर देंगे छोटे से बच्चे की तो कुछ समस्या हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बच्चा सिर्फ माँ के दूध पर डिपेंड रहता है, इसकी वजह से उसके पेट में बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं, और जो बच्चे की ग्रोथ ना होने का जो कारण है वो कीड़े हैं, क्योंकि वो जो भी दूध पीता है जो उसके शरीर में जाता है वो सब कीड़े खा जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो बकरी कमजोर होना और बच्चे की ग्रोथ नहीं होना सब उसकी डिलीवरी पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने बकरी की डिलीवरी और उसके बच्चे की ग्रोथ को लेकर कुछ बातें आपसे शेयर की है। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं, और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको समय से मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।